let me go. सो गाइस ये हमें पानी मार रहा है मशरूम में टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए। हमने ये व्यवस्था जो इसलिए लगाया है कि ये ज़्यादा गर्म नहीं होना है, ये घर जो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए व्यवस्था डाला है, तो वहाँ से पानी गिरते रहे थोड़ा थोड़ा करके, और ये भिजा होगा तो या ठंडा होगा, तो ऐसे करके स्प्रे में पानी लेके हम लोग ऐसे मारते हैं। ये मशरूम मैनेजर सर मैनेजर प्लस ओनर। तो ये पानी पाइप है, तो यहाँ से मशरूम को ऐसे करके भिजाता है बोस्ता लोगों को, ऐसे करके देता है सब में, ऑलमोस्ट दे दिया, जस्ट दिखा रहा है आप लोगों को कैसे करना है। टेम्परेचर कंट्रोल करने समर में बहुत चैलेंजेस है मशरूम बनाने के लिए। मशरूम पूरा सूख जाता है, तो सूख जाने से ख़राब हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, हम लोग का मार्केट में फ्रेश फ्रेश नहीं बेच सकेगा, तो इसलिए इसे पानी मारना पड़ता है टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए। इसे करके बस्ता को ऐसा पकड़ के पानी पूरा बस्ता को अच्छा से भिजाना है एकदम। उसके बाद फिर शाम को 4 बजे ऐसे को भिजाना है। ये पूरा 8 घंटा तक चल जाएगा, उसके बाद अगर ज़्यादा गर्म होने से 3 बार जैसे डालना है पानी, सुबह 8 बजे ऐसे को, उसके बाद 12 बजे, उसके बाद 4 बजे। तो आज का वीडियो बनाने का यही था, इसे थोड़ा मट्टी लोगों भी थोड़ा ऐसे भिजा देना है, थोड़ा ठंडा होने के लिए। मैं भिजा दिया, मैं बोतल लो के पानी स्टॉक करके रखता ड्रम स्प्रे में डालने के लिए, वाटर स्प्रे पानी मारतेगा। कपड़ा लगाने से अच्छा है, कपड़ा जो भिजा रहेगा जल्दी नहीं सूखेगा, तो ये ठंडा होगा। ये प्लास्टिक हम लोग इसलिए लगाए कि कीचड़ नहीं होने के लिए, ऊपर में चल सकने के लिए, ठंडा होने के लिए। तो वैसे प्लास्टिक देख सकते हैं, ये प्लास्टिक हम लोग इसलिए लगाए कि चलने से कीचड़ नहीं होने के लिए, प्लस पानी जमा होके रहो, थोड़ा ठंडा होने के लिए। टेम्परेचर तो कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। तो गाइस अच्छा लगने से लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब भी करो।